चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट इज 4 एम्पीयर एंड पावर फैक्टर 0.5 है, पावर डिसिपेट इन द सर्किट 100 वॉट का है, द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितनी होगी। तो देखो सबसे पहली बात, पावर जो डिसिपेट होती है, अगर मैं पीक वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो I1/2 V0 I0 cos φ, cos φ क्या है, पावर फैक्टर है, ठीक है। और अगर यही फॉर्मूला मैं RMS के कॉन्टेक्स्ट में लिखूँ तो VRMS into IRMS into पावर फैक्टर ये होता है, ठीक है। उसमें 1/2 होता है, इसमें 1/2 नहीं होता, ठीक है। तो आपको दिया क्या है, आपको RMS वैल्यू है करंट की दी हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्टली। तो देखो IRMS की वैल्यू कितनी दिया है, 4 एम्पियर, पावर फैक्टर cos φ की वैल्यू 0.5 दिया है, और पावर जो डिसिपेट हो रही है 100 वॉट। तो ये चार में से तीन वैल्यू तो दे ही दिया, तो चौथी निकाल लो। देखो 100 = VRMS × IRMS 4 एम्पियर into पावर फैक्टर 0.5, तो 4 × 0.5 2 हो जाएगा, सो VRMS की वैल्यू आ जाएगी 50, करेक्ट है, 50 वोल्ट। अब ध्यान से देखना, पीक वैल्यू वोल्टेज की पीक वैल्यू चाहिए, तो VRMS इज इक्वल टू क्या होता है, V0/√2, और आपको पीक वैल्यू चाहिए तो हम रूट टू से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो V0 = VRMS × √2, VRMS की वैल्यू है 50 × √2, तो 50√2 नहीं दिया है, इसको 1.414 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट टू की वैल्यू क्या होती है, 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं कैलकुलेटर का यूज करूँ, कैलकुलेटर का यूज करूँ, 50 × 1.414, तो ये आएगा 70.7 आ रहा है, 70.7 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसके क्लोजेस्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है, 70 वोल्ट, ये वाला बी वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट। तो क्लोजेस्ट आंसर हम जनरली लेते हैं, जो सबसे नज़दीक आंसर होगा वही लिया जाएगा, अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।